लोगों ने आज वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो खत्म होने से पहले जो है ना इससे भी डाइट प्लान सुन के बंद नहीं कर देनी। हानिया मुझे ये बताओ कि डिनर में क्या करती थी? मेरी स्किन में इतनी खूबसूरती आ गई कि सब हैरान रहते थे कि आप क्या यूज कर रही हैं, पहले तो ये बात बताएं। अच्छी बात। अच्छा हानिया मुझे एक बात बताएं, और कोई टिप देना चाहे वेट लॉस की जो आपके लिए बड़ी जबरदस्त काम की हो? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस, मैं हूं खावर खान। दोस्तों आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वीडियो, एक जबरदस्त इंटरव्यू लेकर आया हूं। इंटरव्यू है एक ऐसी लड़की का जिन्होंने घर पे रहते हुए सिर्फ 2 से 2.5 महीने में 20 से 25 kg वजन कम कर लिया। सुन के पहले तो मैं भी परेशान हो गया कि ये काफी ज्यादा है, लेकिन किया कैसे, मैंने सोचा इंटरव्यू करना चाहिए और पूछना चाहिए। अच्छा जी, तो मैं बात करने वाला हूँ आज हानिया से जिन्होंने अपना इतना सारा वजन कम किया। पहले पूछेंगे ये 75 kg तक गया कैसे और फिर इतने कम अरसे में इतनी तेजी से वजन कैसे कम किया। अस्सलाम वालेकुम हानिया, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हानिया ये बताइए कि आपने इतना ज्यादा इतनी तेजी से वजन कम किया है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका वजन 75 कैसे गया था, पहले कितना था? पहले मेरा, सबसे पहले तो मेरा 45 था, फिर उसके बाद मैंने काफी टाइम मतलब बैठकर काम पे काम किया कंप्यूटर वगैरह पे, तो इस हिसाब से मैं भूल गई कि मुझे अपना भी ख्याल रखना है, तो इसलिए फिर मतलब 80 पे पहुंचने वाला था, 77 या 75 हो गया था केजी। तो फिर जब 2-3 साल गुजरने के बाद मैंने नोट किया कि ये तो चीज मतलब मैं तो बहुत बुरी लग रही हूँ, कोई चीज भी मतलब मुझ पे सूट नहीं करती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरी हाइट भी छोटी है तो बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता था, कितनी भी अच्छी शॉपिंग कर लो सब मेरा बेकार जाता था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा और मुझे सबने टोका बहुत ज्यादा कि कुछ शर्म कर लें, कुछ हया कर लें। फिर उसके बाद मैं सीरियस हो गई कि मुझे कुछ करना है। पहले तो मैंने बहुत सारे डाइट प्लान्स फॉलो किए, देखा, फिर खाना पीना छोड़ दिया, फिर उससे ये देखा कि ये तो मेरी सेहत खराब हो रही है। तो डाइट पे तो मैं आऊंगा, सॉरी आपकी बात को कट कर रहा हूं, डाइट पे तो मैं आऊंगा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने जो ये 20 से 25 kg वजन कम किया कितने अरसे में किया है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, बिल्कुल सच सच बताइएगा। सही, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगे होंगे। 2 महीने में 20-22 kg वजन हानिया, मतलब 10 kg पर मंथ कम किया, कोई जादू वादू किया है? तीसरे महीने में मैंने कम्प्लीटली डाइट करना छोड़ दिया, बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया, उसके बाद बस रूटीन बना ली कि मोटा होने से बचा जाए। और आपका ताल्लुक जिस जगह से अंदरून से, वहाँ पे लोग ज्यादा बाहर पार्क वार्क में तो वॉक करने जाते नहीं? बहुत ही ज्यादा खाते पीते हैं, घूमने का कोई भी नहीं होता, वॉक का सिस्टम ही नहीं होता। सबसे पहले लाइफ में क्या, पहले जब वजन बढ़ा था तो उस वक्त खाने की रूटीन क्या थी, नाश्ता क्या होता था उस वक्त? चाय पराठा और सब्जी हो जाती थी, फिर उसके बाद मतलब जैसे क्या कहते हैं स्वीट आइटम हो गए वो खा लिए, सिंधी बिरयानी के बाद जी हाँ नहीं बिरयानी मैं कम खाती थी, लेकिन फिर भी रूटीन में शामिल हो गई थी और वॉक करना खत्म कर दिया था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बैठकर सिर्फ काम करती थी और कुछ मतलब वॉक का सिस्टम ही नहीं होता था, उठना बैठना नहीं होता था, खाया पिया और सो गया, बस बैठे बैठे ही काम किया फिर सो गई, तो ऐसे हो गई थी रूटीन। इस वजह से वजन काफी बढ़ने लगा था? बहुत ज्यादा। अच्छा जब आपने सोच लिया कि अब मैंने इस वजन को कम करना है, अच्छा अक्सर लोगों की खवातीन की मोटिवेशन होती है वजन कम करने की, शादी करी वजन कम करना, आपकी मेन मोटिवेशन क्या थी, वजह क्या थी वजन कम करने की? वो इसलिए क्योंकि एक तो मैं लड़की हूँ तो वो मैं लड़की नहीं लगती थी, मैं आंट लगती थी और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शॉपिंग वगैरह करती थी तो वो मेरी साया चाहती थी, तो इसलिए मैं खुद से मतलब लोगों ने मेरी अम्मी ने भी इवन टोका बहुत ज्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे काम में जैसे मैं आगे हूँ तो इस हिसाब से मुझे खुद को भी मेंटेन रखना है, तभी मैं मतलब मेंटली तो रिलैक्स हो जाऊंगी, तो फिर उसके बाद मैंने ठान लिया। लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे किसी भी डाइट से कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया, वॉक करना शुरू किया, 2-3 घंटे एक्सरसाइज भी की, खाना पीना कम कर दिया, उससे मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई, मुझे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ गई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसे बहुत सारे मैंने तजुर्बे किए थे। अच्छा आपकी भी नहीं हुआ था, मैं आपकी बात को यहाँ रोकूंगा, ये मैसेज सबके लिए कितना अच्छा मैसेज है। देखें वजन कम करने का मतलब कतन ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दो, आप 2-3 घंटे वॉक करो, ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, बहुत सारे नुकसान, बहुत ज्यादा मेरी आईज पे भी असर हो गया था, मेरे हेयर पे भी असर हो गया था, मेरी स्किन पे भी असर हो गया था, मेरी सेहत पे मतलब मेरी, मुझे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ गई, फिर मेरा खर्चा लग गया था, तो समझे 50 से 60 हजार मेरे लग गए थे, मैंने टेस्ट करवाए फिर फाइनल ये पता लगा कि आपको कुछ है ही नहीं, आपने खाना पीना ज्यादा कर दिया था, गैसेज हो गई, स्वेलिंग हो गई, इस वजह से आप डिप्रेशन में चले गए जी। मतलब इन सब के बाद वजन कम हुआ था या नहीं हुआ था इस सारे नुकसान? बिल्कुल भी नहीं हुआ था, स्ट्रेस बढ़ गया था और स्वेलिंग बढ़ गई थी। ओहो, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी तो हो जाता है ना इतना, अगर आप एकदम ड्रास्टिकली खाना छोड़ दो
तो बॉडी तो परेशान हो जाएगी ना भाई। अच्छा अब मुझे बताएं फिर राइट तरीका कहाँ से मिला आपको वजन कम करने का, मेरा नाम मत ले लीजिएगा। नहीं एक्चुअली मैंने और भी बहुत सारे लोग देखे, लेकिन आपकी जब मैंने आपको आपकी वीडियोस देखी तो मैं मुतमईन हो गई, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, यूट्यूब पे देखा, वेबसाइट पे डॉक्टर्स को फॉलो किया, तो फिर जब मैंने आपकी भी टिप्स देखी तो मैं मुतमईन हो गई कि ये लोग सही कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में, खुद को भूखा नहीं रखना चाहिए, खुद को पेट भर के खाना चाहिए, बहुत ही कहीं पर भी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि हमें इतना ऐसा नहीं खाना, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर इसके बाद मैंने ये नोटिस किया, सबसे पहले मैंने ये ऐड किया कि आपकी कुछ वीडियोस थी एज इट इज मुझे इस वक्त तो याद नहीं, क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया आपसे, काफी टाइम बाद बात हो रही है मेरी। तो मुझे मैंने पहले स्टार्ट किया कि लोग के लिए सारे खाने खाने चाहिए, और जैसे क्या कहते हैं ग्रीन टी वगैरह। अच्छा मैं आपके डाइट प्लान पे भी आता हूँ, पहले आवाम को ये बता दूं कि देखे हानिया की हम ऑब्वियसली हानिया पर्दा करती हैं, हिजाब करती हैं, इस वजह से ना हम आपको हानिया की पिक्चर्स दिखा सकते हैं ना वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप तक पूरा जाना चाहिए कि हानिया ने 2 से 2.5 महीने में 20 से 25 किलो वजन कम किया। हानिया अब आपके डाइट पे आते हैं, जब आपने वजन कम करना शुरू किया तो नाश्ते में क्या चेंजेस किए, पहले क्या नाश्ता होता था बाद में क्या, पहले तो आपने बताया अंडा पराठा होता था और सब्जी पराठा होता था, बाद में नाश्ता क्या चेंज किया आपने? सबसे पहले तो मैंने ऑयल फ्री मतलब ऑयल का यूज करना खत्म कर दिया, फिर जब मैंने मतलब काफी सारी वीडियोस फॉलो की तो फिर पता लगा कि इसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं आटे में, तो मैंने ये आटा खत्म कर दिया, वो जो दूसरा आटा नहीं होता लाल आटा जो जुअर वाला कहते हैं, वो वाला मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर आहिस्ता हाँ जो का आटा ठीक है, तो वो वाला मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, और राइस बिल्कुल बंद कर दिए, आम आटा बंद कर दिया था, और फिर मतलब ऑयल यूज करना कम कर दिया था, और ये था कि पेट भर के खाती थी, इस बीच में फ्रूट्स भी खाती थी, लेकिन वो ये था कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये होती थी कि रूटीन के साथ खाना है आपने, ऐसा नहीं कि आज इस टाइम पे खा लिया कल किस टाइम पे खा लिया, ऐसा नहीं होता था। सुबह को उठ के मुझे पहले 2 गिलास पानी पीने होते थे, फिर उसके बाद नाश्ता करना होता था ठीक है, उसके बाद फिर 2-3 घंटे रख के या 1.5 घंटा रख के फिर मुझे फ्रूट खाने थे, लेकिन वो ज्यादा मिकदार में नहीं, पूरी जितना मतलब मेरी भूख पूरी हो सके, उसके लिए मैं अनार खा लेती थी या मतलब कोई भी फ्रूट खा लेती थी, लेकिन ज्यादा नहीं खाती थी इतना, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई सारा आ गया तो वो सारा खा लिया, वो वाला सिस्टम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और फिर जी पोर्शन कंट्रोल करती थी मतलब थोड़ा खाती थी? नहीं नहीं थोड़ा नहीं, पेट भर के खाती थी, ऐसा होता है ज्यादा नहीं खाती, लोग होते हैं ना कि देखते हैं फेवरेट चीज है तो ज्यादा खा ली, तो ये नहीं करती थी मैं, मतलब मैंने अपने पेट भरने लेना था हर टाइम पे, भूखा नहीं छोड़ना था खुद को बिल्कुल भी। फिर 24 घंटे में मुझे जो है ना 30 मिनट या 15 मिनट एक्सरसाइज करनी होती थी या वॉक करनी होती थी, बस इतना ही टाइम मैंने किया, और वॉक को मैंने सही से फॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ खाने पीने को मैंने बहुत सही से फॉलो किया, जैसे लोग के लिए 2 गिलास पानी पीती थी या हर खाने से पहले पानी पीती थी? हर खाने से पहले नॉर्मल पानी पीती थी, और ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती थी, फ्रूट भी खाती थी, 2 टाइम में फ्रूट खाती थी, और दिन में जैसे दाल हो गई, फिर दाल में सब्जियां हो गई, या कभी चिकन कभी फिश, ये चीजें खाती थी। थोड़ा इससे इससे करके चलते ना ताकि आवाम को समझ में, दिन में क्या खाती थी? नाश्ता तो चलो आपने बता दिया, दिन में आप क्या खाती थी? दिन में ये होता था कभी मैं फिश फ्राई कर लेती थी, कभी फिश स्टीम होती थी, कभी दाल होती थी, और क्योंकि एक ही चीज खा के बंदा बोर हो जाता है ना, फिर उससे भी गैसेस होती हैं, तो दिन में रोटी तो कभी दाल खा लेती थी। जी हाँ रोटी नहीं होती थी, रोटी को मैंने बिल्कुल मतलब क्योंकि मुझे बिल्कुल थोड़े टाइम में ज्यादा करके दिखाना था लोगों को भी और खुद को भी मुतमइन होना था, तो इसलिए मेरा टारगेट ये था कि कम से कम वक्त में मैं ज्यादा कम करके दिखाऊं। अच्छा तो दिन में कभी दाल होती थी, कभी फिश स्टीम होती थी, कभी चिकन होती थी, रोटी नहीं होती थी, कभी सलाद होती थी? हाँ खीरा होता था इसमें बहुत ज्यादा मिकदार से, अगर मैं फिश भी खाती थी तो उसमें मतलब आधा हिस्सा होता था उसमें खीरा होता था, और लीमू भी होता था ठीक है। अच्छा मैंने आवाम को तो हजारों वीडियो में पता नहीं कितनी वीडियो में ये बताया कि पहले पानी पियो फिर खीरा खाओ या कोई सब्जी खाओ उसके बाद गोश्त खाओ और उसके बाद नंबर आता है रोटी या चावल का, अगर इस सीक्वेंस में आप खाओगे ना तो आपका वजन देखो कितनी तेजी से कम होगा, और वही हानिया ने फॉलो किया। जी हाँ यही मैंने यही किया, लेकिन मैं चावल नहीं खाती थी क्योंकि ये चीज मैं नहीं करती थी, अगर मैं ये चीज करती तो मुझे टाइम लग जाता, फिर मुझे बर्डन फील होता कि ये बर्डन हो गया है, ये शायद मैं नहीं कर पाती सही से, तो इसलिए मैंने 10 kg पर मंथ कम किया ना, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। आप लोगों ने आज वीडियो पूरी देखती है, वीडियो खत्म होने से पहले जो है ना इससे भी डाइट प्लान सुन के बंद नहीं कर देनी। हानिया मुझे ये बताओ कि डिनर में क्या करती थी? डिनर में भी बस ऐसे ही होता था कि कुछ स्टीम किया हुआ आप खा लो, या फिर कभी चेंज कर लिया, जैसे सब्जियां हो गई, भिंडी वगैरह हो गई,
तो जो लोग के लिए सारी चीजें होती थी ना, मैं उनको ही सिलेक्ट करके वही खाती थी, अच्छा या दाल बैंगन का, हो गए। जैसे दाल बगैर रोटी के दाल का सूप पी लिया करती थी। जी हाँ। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। फिर इस बीच में ये हुआ कि मुझे एक मंथ में ही खाना खाने की जैसे होती थी ना, मतलब बहुत ज्यादा शिद्दत महसूस होती है मोटे लोगों को कि अभी खाना है मुझे, तो वो मतलब लो कैलोरी वाली चीजें जैसे मैंने इस्तेमाल करना शुरू की। मुझे 15 या 20 दिन तक मुझे ये हुआ कि मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर से भूख खत्म हो गई है। फिर मुझे खुद उन्हीं चीजों के लिए तलब होती थी कि ये अभी मुझे खाना है, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा मतलब मैं मोटिवेशन मिल रही थी कि ये देखो मेरा इतना वजन इतनी तेजी से गिर रहा है कि सब नोट कर रहे हैं कि इतनी जल्दी में आपने ये कैसे कम कर लिया। मोटिवेशन मेरी मामा भी कि आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड बड़ा अच्छा किया। मैं आपको हानिया की पूरी वेट लॉस की अगर साइंस एक लफ्ज में बताऊं ना, तो हानिया ये कह रही है कि मैंने पेट भर के खाया लेकिन वो चीजें खाई जिसमें कैलोरी कम मिलती है और जिसका हजम ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे आपको मिसाल देता हूँ, सलाद पत्ता है ना, सलाद पत्ता अगर प्याला भर के भी खा लो ना तो भी उसमें 14-15-20 कैलोरीज आपको मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से हानिया कह रही है मैंने चिकन रोटी चावल कम किए, चिकन खाई। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, जो चीज हानिया के फेवर में काम किए जरूरी नहीं है आप सबके फेवर में काम करे। रोटी चावल बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, बिल्कुल छोड़ोगे वजन तो इतना कम हो जाएगा लेकिन वापस आ जाएगा। हानिया आपका वजन वापस तो नहीं आ रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उसके बाद फिर रूटीन बना लिया ना अपनी लाइफ में कि देखो हर वक्त नहीं खाना और इतना ज्यादा मतलब कैलोरीज फुल वाली चीजें नहीं खानी। जैसे बिरयानी लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो चीज मैं इसे अवॉइड करती हूँ। हफ्ते में एक दो बार बिरयानी खा ली सही है, चावल खा लिए सही है, ज्यादा मिकदार में ये चीजें ऐड नहीं कर रही वापस, क्योंकि बढ़ाना बहुत आसान है, कम करना बहुत मुश्किल है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि कोई हर किसी की कोई स्पेशल चीज होती है, जैसे कोई कहता है मैंने ग्रीन टी पी की, कोई कहता है मैंने अपना जीरे का कावा पिया। जी हाँ, मैंने मैंने ग्रीन टी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसमें दालचीनी का कावा था वो, उसको मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। मतलब दिन में मैंने पहले 3 टाइम स्टार्ट किया, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम पे लाके छोड़ दिया। अच्छा, जी। तो कैसे बनाती थी दालचीनी का कावा, थोड़ा सा रेसिपी बताएंगे वहां को? वो क्या कहते हैं, छोटे से 2 कतरे होते हैं उसके, फिर उसको पानी में बॉईल करो, 1 गिलास हो या 1 बड़ा मग हो वो पी लेती थी, लेकिन वो गर्म होना चाहिए। सही है, लेकिन लेमन लेमन नहीं डालती थी? हाँ वो भी डालती थी लेकिन कभी कभी। अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो जाता था, खट्टा खट्टा। अच्छा, दालचीनी का कावा हमने बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा जो है यू नो आपको गर्म होता है और फिर तेज हो सकती है। तो ऐसा करें कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पी लें, ये भी काफी है, साथ में हेल्दी डाइट करेंगे आपका वजन कम होगा। और कोई टिप? गर्मियों में इस कावे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैंने डॉक्टर्स को भी फॉलो किया, अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए, तजुर्बा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स की राय भी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हर जरूरी नहीं है जो मुझ पे मतलब सही वर्क कर गया है वो हर किसी पे करे, हर किसी की अपनी तबीयत होती है। बहुत अच्छी बात। अच्छा हानिया मुझे एक बात बता, और कोई टिप देना चाहे वेट लॉस की जो आपके लिए बड़ी जबरदस्त काम की हो? बस ये कि नॉर्मल पानी पिया करें, ठंडे पानी से गुरेज करें, वो आपको बहुत सारी बीमारियां भी दे देता है और वजन बढ़ाने में आपको बहुत तेजी से मदद करता है। बहुत अच्छी बात है, ठंडा पानी अवॉइड करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी पिया करें। इसके अलावा हानिया एक्सरसाइज का क्या किया, वॉक करती थी? किस वक्त करती थी, खाने से पहले खाने के बाद? मैं रात के टाइम में करती थी, खाने के बाद ही करनी चाहिए, खाने से पहले नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, खाने के आधे घंटे बाद वॉक करनी चाहिए। जी हाँ, आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आपको करनी चाहिए, आधा घंटा करनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और हाँ, फिर इस बीच में अगर आपको एक्सरसाइज, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि वो बहुत तेजी से आपका वेट जो है ना गिरा देती है। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हाई इंटेंसिटी होम वर्कआउट पे, खाने से पहले आप वो वर्कआउट कर सकते हैं, खाने के बाद आप वॉक करें। हानिया आपकी जर्नी बड़ी जबरदस्त है, माशाल्लाह से आपने 2-2.5 महीने में 20 से 25 kg वजन कम किया, बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस है। मैं सब लोगों को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर किसी की बॉडी नॉर्मल डाइट पे इस तरह से रिस्पॉन्ड करी है, इतना वजन कम हो रहा है, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, होता है तो हो भाई, लेकिन आपने ये नहीं करना, आपने आपको भूखा नहीं मारना। जो हानिया की पूरी वीडियो का पहला मैसेज था ना कि मैंने खाना खाया है, मैं भूखी नहीं रही, मैंने ज्यादा खाया है, लो कैलोरी फूड खाया। आपको पता है इस डाइट से मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही अच्छा, स्पेशली लड़कियां जो क्रीम्स यूज करती हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, पॉलर्स भी जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी कोई भी चीज फॉलो नहीं की और मेरी स्किन में मैंने पेट भर के खाया और अच्छी अच्छी चीजें खाई, जैसे फ्रूट का भी इस्तेमाल किया और पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, नॉर्मल गर्म पानी का इस्तेमाल किया, उससे मेरी स्किन में इतनी खूबसूरती आ गई कि सब हैरान रहते थे कि आप क्या यूज कर रही हैं फेस, पहले तो ये आप बताएं। थैंक यू सो मच हानिया, आपने इतना टाइम दिया और आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू।
थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। हानिया की जबरदस्त वेट लॉस जर्नी थी मैंने आपके साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।